ओके हम लोग शुरू करते हैं। तो टॉपिक मैंने जो दिया था मॉर्निंग में, ये एक कम्युनिकेशन का, एनालॉग कम्युनिकेशन। तो वैसे तो ये टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन हमने इसको ऐसा बनाया है कि वो आप चाहे वो साइंस के हों या कॉमर्स के हों, एज ए जनरल इंफॉर्मेशन या जनरल नॉलेज इसको आप पढ़ सकते हैं। तो जो मेन जो हमारा कोर्स में दिया हुआ है, आज हम लोग दो टॉपिक कवर कर रहे हैं, वर्किंग प्रिंसिपल एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल ट्रांसमीटर सर्किट एंड वर्किंग प्रिंसिपल एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिसीवर सर्किट। ये सिलेबस का जो पार्ट हमारा है उसमें ये दोनों पोर्शन हम लोग आज ही कवर करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। ये तो एक पिक्चर आपको दिख रही है स्क्रीन पर, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें एक नीचे देखो ईमेल, एसएमएस कॉल, एमएमएस लेटर्स, पिजन्स, और नीचे गेम जो बच्चे छोटे खेलते थे, ये टेलीफोन वाला गेम, ये दिया हुआ है। तो एक इसकी जो माइंड जो एक्टिविटी आज है, इस नेक्स्ट है फिर द वर्ड कम्युनिकेशन अराइज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। आवाज मेरी क्लियर है अभी? सर अभी क्लियर है थोड़ा थोड़ा। ओके रुक जाओ एक मिनट, मेरा नेट चला गया था शायद। तो जो माइंड जो एक्टिविटी मैंने बोला था कि जो भी मीडियम आप सुने हैं इसके बारे में, ईमेल है, एसएमएस है, कॉल है, एमएमएस है, लेटर्स भेजना, पिजन्स, टेलीफोन गेम्स, तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी लोग इन चीज़ के बारे में अवेयर होंगे। तो आपको करना ये है कि इसका एक सभी में क्या डिफरेंस है, या कह सकते हैं कि सभी के बारे में एक एक दो दो लाइन आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि सब में क्या अंतर है। तो ये आपकी एक माइंड जोग एक्टिविटी थी। नाउ कम्युनिकेशन के बारे में जान लेते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन अराइज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है विच मीन्स टू शेयर, शेयर करना कुछ भी। तो कम्युनिकेशन इज अ बेसिक स्टेप फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन इज नथिंग बट दैट ओनली द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, किसी को सूचना देना और वहां से लेना, दैट इज द कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल ए बेबी इन अ क्रेडल कम्युनिकेट विद द क्राई व्हेन शी नीड्स हिज हर मदर। बच्चे को जब पाला जाता है, छोटे बच्चे को देखा है आपने,
तो बच्चा तभी रोता है जब उसको अपनी मदर को बुलाना होगा या उसको जरूरत होगी, या मदर समझ जाती है कि बच्चा मुझे याद कर रहा है। ए काउ मॉम्स लाउडली व्हेन इट इज अ डेंजर, कोई भी गाय अगर है, अगर वो परेशानी में होती तो वो भी एक आवाज करती है, वो भी एक कम्युनिकेशन का एक सोर्स हो सकता है। ए पर्सन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इज अ ब्रिज टू शेयर। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी चीज कम्युनिकेट करेगा तो उसको उसके लिए उसको लैंग्वेज की जरूरत होती है, किसी भाषा की जरूरत होगी, उसी के साथ वो कम्युनिकेट करेगा। तो कम्युनिकेशन इज अ ब्रिज टू शेयर, किसी चीज को शेयर करना। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीन्स सच अ वर्ड, सच एज अ वर्ड, एक्शन, साइन एक्सेट्रा बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। ये भी कह सकते हैं हम लोग कि कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ एक्शन होंगे, कुछ साइंस होंगे, तो ये भी कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपको किसी ने आंख से इशारा किया डांट गुस्से का, मदर ने कभी डांटा आपको, तो वो भी कम्युनिकेशन का इशारा होता है। तो कम्युनिकेशन किसी भी तरह का हो सकता है। ओके, तो एक हम आपको ये ब्लैक डायग्राम दिखा रहे हैं, ब्लैक डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है पूरा इसका। तो इंफॉर्मेशन सोर्स सबसे फर्स्ट होता है, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम का जो पार्ट है वो इसके बाद शुरू होता है, कि ट्रांसमीटर, इसके बाद चैनल, रिसीवर और लास्ट में यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, किसको इंफॉर्मेशन दिया जाना है। तो ट्रांसमीटर एक अलग पार्ट है, रिसीवर एक अलग पार्ट है, चैनल होता है मीडियम जिसके थ्रू ये सिग्नल या जो मैसेज है वो जाएगा, और इसमें नॉइज भी आती है, कभी कभी चैनल में कोई प्रॉब्लम है तो नॉइज भी ऐड होती है। तो जो आइडियल कम्युनिकेशन होता है उसमें नॉइज का नहीं होना चाहिए, वो सबसे अच्छा माना जाता है। नाउ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, सेंडर इज अ पर्सन हु सेंड अ मैसेज, इट कुड बी ट्रांसमिटेड स्टेशन फ्रॉम वेयर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड। सेंडर और रिसीवर दो वर्ड अब आएंगे इसमें, ट्रांसमीटर के लिए सेंडर और रिसीव करने वाले को रिसीवर कहा जाता है, जो सिग्नल मिलेगा जिसको। तो जो व्यक्ति सिग्नल भेजता है दैट इज द सेंडर, चैनल इज द मीडियम थ्रू विच द मैसेज सिग्नल ट्रेवल टू रीच द डेस्टिनेशन। किस मीडियम से जाएगा ये चैनल में, जैसे मान लीजिए कि थ्रू वायर जा रहा है, कि आप यहीं से जोर से चिल्ला रहे हैं वो सुन ले रहा है तो हमारा एटमॉस्फियर होगा चैनल, या माइक्रोवेव के थ्रू जा रहा है, मोबाइल से थ्रू जाता है तो उसका भी प्रिंसिपल अलग होता है, तो दैट इज द चैनल। और सिग्नल जहाँ रिसीव होगा, रिसीवर इज अ पर्सन हु रिसीव अ मैसेज, इट कुड बी रिसीविंग स्टेशन वेयर द ट्रांसमिटेड सिग्नल इज बीइंग रिसीव्ड। तो ये रिसीवर के लिए, जहां पर सिग्नल हमारा रिसीव करेगा। थोड़ा सा सिग्नल के बारे में बता दें आपको कि कन्वेइंग अ इंफॉर्मेशन बाय सम मींस सच एज जेस्चर, साउंड, एक्शन एटसेट्रा कैन बी टर्म्ड एज ए सिग्नल्स। ये सब सिग्नल्स हैं, कोई भी साउंड, कोई भी एक्शन या कोई भी आपका जेस्चर कैन बी टर्म्ड एज ए सिग्नल, सिग्नलिंग। हेंस अ सिग्नल कैन बी सोर्स ऑफ एनर्जी विच ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। द सिग्नल हेल्प स्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो सिग्नल ही जो है, अब सिग्नल को आप अपने टर्म में समझ लीजिए कि आपका कोई ऐसा है, संकेत है, कोई ऐसा साउंड है, कोई ऐसा एक्शन आपका है, दैट इज द सिग्नल। मम्मी ने अगर एक थप्पड़ आपको दिखाया तो वो सिग्नल है कि वो नाराज है, आपको पीटने के लिए तैयार है वो, तो दैट इज द सिग्नल। तो सिग्नल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हम लोग टेक्निकल में जब चलेंगे तो सिग्नल को मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में और किस किस फॉर्म में लेके चलेंगे, अभी इसकी बात करेंगे हम लोग। एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच ट्रेवल डिस्टेंस टू कन्वे अ मैसेज कैन बी टर्म्ड एज द सिग्नल कम्युनिकेशन, या सिग्नल इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम। मेन क्या होता है कि सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो अब हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये मतलब टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पर है। अभी हम कहें आपसे कि यहाँ से कोई बात आपको अपने पड़ोसी को पहुंचानी है घर के बगल, तो हो सकता है आप तेज से चिल्लाएं लाउडली,
तो वो सुन लेगा, ओके। लेकिन मैं कहूं अगर आप कि मैं यहां से चिल्ला रहा हूं और मार्केट में किसी के घर में कोई मेरी बात सुन ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं यहां से बोलूं और कोई पटना में मेरी आवाज सुन ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट प्रोसेस की जरूरत होगी, तो वही प्रोसेस जो है ये कम्युनिकेशन सिस्टम का ये पार्ट होता है। तो इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है दैट इज द मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन वर्ड थोड़ा देखने में बहुत टिपिकल लग रहा है, लेकिन हम आपको बताते हैं। फॉर अ सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड टू द डिस्टेंस विदाउट द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और नॉइज एडिंग एंड विदाउट गेटिंग फेडेड अवे इट हैज अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मतलब कि सिग्नल को हम यहां से और पटना भेजना है, तो हम इस तरह से प्रोसेस करें उसको कि वो वहां तक चला जाए, या उस सिग्नल को इतना पावरफुल बना दें कि वो वहां तक चला जाए। तो इस पावरफुल बनाने वाले प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। इट इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल विदाउट डिस्टर्बिंग द पैरामीटर ऑफ द सिग्नल। जो हमने बोला है, जो मेरी साउंड है, वो भी बदलनी नहीं चाहिए और मेरा सिग्नल वहां तक चला जाए। तो इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैसेज सिग्नल इफ चेंज इन द मैसेज कंटेन्ड इन आल्सो अल्टर्ड, हेंस इट मस्ट बी टेक द केयर ऑफ मैसेज सिग्नल एट द फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैन बी ट्रेवल टू द लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाई द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। वी टेक हेल्प फॉर द सच हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल विच इज कॉल्ड एज अ कैरियर सिग्नल टू ट्रांसमिट आवर मैसेज सिग्नल सच एज प्रोसेस इन अ सिंपली कॉल्ड एज ए मॉड्यूलेशन। अभी इसको देखते हैं डिटेल में हम लोग। ये मॉड्यूलेशन जो मतलब कि इंजीनियरिंग के टर्म में जितने भी मॉड्यूलेशन मैंने वो यहाँ बताया हुआ है आपको, लेकिन हम लोग केवल बात करेंगे एनालॉग सिग्नल की, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रोसेस आपको मैं समझा दूंगा। तो मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पैरामीटर्स ऑफ द कैरियर सिग्नल इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। देख लीजिए, इसमें नया वर्ड आ रहा है कैरियर सिग्नल। हमने कुछ बोला तो मेरी साउंड को कैसे लेके जाएंगे, तो जो सिग्नल वो मेरा साउंड लेके जाएगा दैट इज द कैरियर सिग्नल, और वहां पर मेरे साउंड के अकॉर्डिंग वो कैरियर सिग्नल चेंज होता है। इसी को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन। जैसे आप एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये बहुत फेमस है। आप लोगों ने रेडियो में सुना होगा एएम एफएम, सुना है भूमि? यस सर, सुना है। मर्फी का है जो पुराना घर पे। हाँ, एएम और एफएम, जैसे अभी नया एफएम चल रहा है, तो एएम इज अ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसका फुल फॉर्म है यही, और एफएम इज अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये वर्ड मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको काम आएगा। माइक ऑफ कर लीजिए। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव फॉर्म इज वेरिड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देन द टेक्निक इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखिए ऊपर में दिख रहा है कैरियर सिग्नल, आपको दिख रहा है ये, और बीच में ये दिख रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मतलब कि ये हमारा साउंड है, मैसेज सिग्नल हमारा है। ये कैसे बनाते हैं ये भी हम आपको लास्ट में बताएंगे, लेकिन आप ये मान लीजिए कि जो बीच वाला सिग्नल है वो मेरी वॉइस है या कोई भी सिग्नल है, तो इस सिग्नल को दूर भेजने के लिए ये वीक सिग्नल है, और कैरियर सिग्नल जो है बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का, इसमें देख रहे फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों सिग्नल को मिक्स करेंगे। तो अब देख रहे हैं कैरियर सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इसको कहा जाता है कि ये इस अपने जीरो लाइन से कितने ऊपर तक जा सकता है। तो इस सिग्नल के मतलब कैरेक्टर को हम लोग इस कैरियर सिग्नल के हिसाब से चेंज करें। देखिए बाप, इसमें दोनों सिग्नल मिक्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और मॉड्यूलेशन इसका बिल्कुल, ये एम्पलीट्यूड इसका जो है वो हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग है। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड कैरियर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैरियर होता है, ठीक है। इसी तरह से देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो एफएम की बात हम कर रहे थे, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल में फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज की जाती है, उसमें हम लोग एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे थे। एम्पलीट्यूड मतलब ये वाला, इसकी पीक टू पीक कितना चेंज हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी में इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे थे।
जब इसका ये एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जब ये निगेटिव में जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम हो जा रही है, सिग्नल हमारा दूर दूर हो जा रहा है। तो दैट इज द टेक्निक इज योर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसी तरह से होता है फेज मॉड्यूलेशन। ये फेज में क्या है, जैसे जहां पर ये सिग्नल का ये जीरो पे आ रहा है तो यहां पर इसका फेज चेंज हो जा रहा है सिग्नल का। तो ये अलग अलग टेक्निक है, जिस तरह का हम लोग मॉड्यूलेशन यूज करेंगे उस तरह का हमको सेटअप चाहिए सिग्नल को रिसीव या सेंड करने के लिए। ये तीनों को हमने कंपेयर करके यहाँ दिखाया हुआ है। ये थोड़ा सा फेज मॉड्यूलेशन यहाँ पर डिस्प्ले में ये सही से वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो पिक्चर फॉर्म में दिखाने में ये थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है, लेकिन ये तीनों टेक्निक यहाँ पर दिखाई गई है, FM और AM और PM। PM पल्स मॉड्यूलेशन है, वैसे हम फेज मॉड्यूलेशन की बात कर रहे थे, तो ये सारे फेज मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन ये सब मोबाइल में यूज होते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो है वो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट और रेडियो ब्रॉडकास्ट में यूज होता है। अब हम बात करते हैं कि सिग्नल को कैसे चेंज किया जाता है, कि मैं अगर मेरा वॉइस सिग्नल है तो इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए जो डिवाइस यूज होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। ये जनरल नॉलेज का बहुत पेट क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में कवर करता है। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। किसी भी सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने वाला जो डिवाइस होगा वो ट्रांसड्यूसर होता है। आपने देखा होगा किसी दुकान पर आप जाएंगे जब और सब्जी खरीदिए, चाहे वेट मेजरमेंट के लिए, वो लोग एक इलेक्ट्रॉनिक वेट यूज करते हैं, उस पर कुछ सब्जी रखी तो उसका रीडिंग आ जाता है कितने किलोग्राम है, वो भी एक ट्रांसड्यूसर है। वो वेट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, दैट इज द, उसको बोलते हैं हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक या क्रिस्टल के फॉर्म में होता है वो। तो या बर्डन ट्यूब यूज कर सकते हैं। बर्डन ट्यूब का एग्जाम्पल है कि अभी गाड़ी में जब हवा चेक कराइए किसी दुकान पर, तो जो पंचर बनाने वाला होता है वो एक पहले एक मीटर लगा के चेक करता है कितनी हवा है। दैट इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसड्यूसर। दिस वो बहुत ही पॉपुलर ट्रांसड्यूसर है प्रेशर मेजरमेंट के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं बर्डन ट्यूब। वो सर्कुलर फॉर्म में ट्यूब होती है, जब उसमें हवा जाती है तो ट्यूब फैलती है और निडिल को मूव कराती है। तो जो सिग्नल हमारा फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पहले कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ और इस सिग्नल को हमें इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है, तो दैट इज द इनपुट ट्रांजिस्टर। और अगर आउटपुट एंड पे जहाँ पर सिग्नल को रिसीव करना है वहाँ पर अगर वो फिर सिग्नल को फिजिकल क्वांटिटी में चेंज होगा तो वो हमारा होता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। ये एग्जाम्पल एक दिया है, देखिए ये माइक्रोफोन आप लोगों ने देखा है स्कूल में, दैट इज द ट्रांसड्यूसर। ये हमारे साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये जो वेट मेजरमेंट वाला मैं दिखा रहा था ये साइड में बना हुआ है, और ये कम्युनिकेशन सिस्टम का नीचे डायग्राम बना है। यहाँ पर ये स्पीच सिग्नल है, इसको ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और ये प्रोसेस कर दिया मॉड्यूलेशन में करंट फॉर्म में, जैसे भी ट्रांसमिट कर दिया चैनल में, रिसीवर इन पर रिसीव हुआ और फिर वापस इसको हम लोग सुन सकते हैं। दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस। ये ट्रांसमीटर का ब्लैक डायग्राम है। इतना आपको मैंने इसलिए बताया कि ये ब्लैक डायग्राम तभी आपको समझ में आएगा। तो पहले ऑडियो सिग्नल प्री एम्पलीफायर मीन्स की माइक्रोफोन से सिग्नल को रिसीव किया गया और उसको एक लेवल पर एम्पलीफाई कर दिया गया। देन मॉड्यूलेटर यूज किया, AM मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेट करके। RF सिग्नल जो है वो कैरियर सिग्नल जनरेट करता है, दोनों को मिक्स करके पावर एम्पलीफायर देते हुए एंटीना से ट्रांसमिट किया गया रिसीवर एंड पर। इसी तरह से ये FM मॉड्यूलेटर है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, यहाँ पर बस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। और इसका ये प्रोसेस है, ये मैं डिक्टेट नहीं करूँगा, लिखिएगा भी नहीं आप कॉपी में, इसमें वही चीज लिखी जो बता रहा हूँ। द ऑडियो सिग्नल ऑफ द आउटपुट माइक्रोफोन इज सेंट टू द प्री एम्पलीफायर विच बूस्ट एट द लेवल ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। द RF ऑपरेटर जनरेट द कैरियर सिग्नल, बोथ मॉड्यूलेटिंग एंड कैरियर सिग्नल सेंट टू द AM मॉड्यूलेटर। पावर एम्पलीफायर इज यूज टू इंक्रीज द पावर लेवल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव्स। द वेव इज फाइनली पास्ड थ्रू द एंटीना टू बी ट्रांसमिटेड। ये वर्किंग है AM की, इसी तरह से FM की वर्किंग है। ये हमारा रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम है। रिसीवर एंड पर सिग्नल रिसीव होता है। RF ट्यून्ड सर्किट जो है वो सिग्नल को रिसीव करेगा और RF, और ये सब टेक्निकल वर्ड्स आ रहे हैं, RF
रेडियो फ्रीक्वेंसी को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में चेंज करेगा, फिर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी से सिग्नल को निकाला जाएगा, ये डी मॉड्यूलेटर यहाँ पे यूज होगा और ऑडियो सिग्नल होगा, इसको सिग्नल को सुन सकते हैं। इसी तरह से ये एफएम का है। और लास्ट में लोग बात करेंगे चैनल की, जो मैं शुरू में बोला था, कम्युनिकेशन चैनल रिफर्स टू आइदर अ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम सच एज अ वायर और द लॉजिकल कनेक्शन ओवर द मल्टीप्लेक्स मीडियम सच एज द रेडियो चैनल इन द टेली कम्युनिकेशन एंड द कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो जिस मीडियम से सिग्नल जाता है दैट इज द मीडियम, या चैनल भी कह सकते हैं इसको हम लोग। और नॉइज वर्ड जो आता है, नॉइज कैन बी डिफाइंड एज द एनी अनवांटेड सिग्नल रेंडम और डिटर्मिनिस्टिक विच इंटरफेस विद द फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ द डिजायर्ड सिग्नल इन द सिस्टम। तो ये एक मैंने आपको पूरा ब्रीफ दिया है, बहुत ही मतलब बहुत टेक्निकली इसको ना जा करके हमने जनरलाइज करके आपको बताया है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, मुझे लगता है ये जितना है क्लियर है इसका। अभी मैं थोड़ी देर में ये पीडीएफ फाइल भेजूंगा। और आज मैंने इसको पार्ट वन में बताया है कम्युनिकेशन, और थोड़ा सा इसमें कुछ एडवांस में बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको पार्ट टू किसी दिन और हम बताएंगे आपको। लेकिन जो बेसिक चीज थी दोनों सिलेबस के पार्ट की, वो हमारी कवर हो गई है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, केवल आज दो ही लोग हैं क्लास में, बहुत ये मतलब गलत बात है ये, और बच्चों को होना चाहिए था। कोई नहीं, अभी मैं मैसेज डालूंगा ग्रुप में, और अभी क्लास टीचर को भी इन्फॉर्म करूंगा मैं कि बच्चे ऐसे क्यों नहीं आ रहे हैं क्लास में। ओके, तो अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आप लेफ्ट कर सकते हैं क्लास को। सर मुझे मॉड्यूलेशन का मतलब समझ में नहीं आया। अच्छा, मॉड्यूलेशन मैं बता दे रहा हूँ। मॉड्यूलेशन, चलिए आते हैं मॉड्यूलेशन वाली स्लाइड पर। मैं एक मिनट, मैं व्हाइट बोर्ड यूज करके बता देता हूँ, जस्ट अपने आपको मॉड्यूलेशन समझ में आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, जस्ट वेट, मैं आपको बता रहा हूँ मॉड्यूलेशन। मेरी स्क्रीन विजिबल है अभी? यस सर। ओके, जस्ट मैं बताता हूँ आपको मॉड्यूलेशन क्या है। चलिए, देखिए जैसे कि मॉड्यूलेशन का मतलब है कि एक ट्रांसमीटर सेंटर यहाँ पर है और रिसीवर सेंटर यहाँ पर है। अब यहाँ से सिग्नल हमारा यहाँ जाना है, ये जो डिस्टेंस है समथिंग लाइक इतने किलोमीटर है, बहुत दूर है। तो यहाँ पर आप कितनी भी तेज बोलेंगे आप नहीं सिग्नल भेज सकते। दूसरी चीज, यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको, अगर हम वायर के लिए कनेक्ट करें, व्यवस्था करें हम पोल की, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसको भी भेजना बहुत मुश्किल है। तो सिग्नल को भेजा जाना है। अब मैंने बताया था कि ट्रांसड्यूसर एक वर्ड यूज़ किया था जिसमें हमारा जो साउंड सिग्नल है, मतलब हम जो भी बोल रहे हैं उस सिग्नल को
माइक्रोफोन के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया गया। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके। इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो नेचर होता है, ये मैंने क्लास सेवेंथ में भी बताया है, वो साइनोसाइडल वेव फॉर्म होती है। ये मालूम है? मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो इसी फॉर्म में होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो समथिंग लाइक 12 वोल्ट या 9 वोल्ट, इतने ही एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है। अब कभी आपने घर में देखा होगा कि अगर हम कहें कि एक एक जगह से घर के एक घर से और दूसरे घर में हमको बिजली पहुंचाना है, समझिएगा, और हमने ये तार लगा दिया। अब जो बिजली जाने वाला सिग्नल है ये 10 वोल्ट का है और ये दूरी हमारी समथिंग 5 किलोमीटर की है, तो क्या ये 10 वोल्ट का सिग्नल यहाँ तक रिसीव होगा? जनरल सी बात है, ये 10 वोल्ट का सिग्नल 5 किलोमीटर लंबे तार में ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि तार का कुछ रेजिस्टेंस होता है, और हो सकता है आपको रिसीविंग एंड पर ये 4 वोल्ट या 3 वोल्ट सिग्नल ही मिले, क्योंकि बाकी सिग्नल हमारा रास्ते में डिसिपिएट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि इस सिग्नल की वैल्यू को बढ़ाना है, तो इसके लिए देखते हैं जगह जगह पर हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो जैसे बड़ी लाइन जो आती है वो हमारे घर में 220 वोल्ट आती है, लेकिन इसको भेजने के लिए इसको 11,000 वोल्ट से पहले कन्वर्ट किया जाता है, और इसको बढ़ाने के लिए 33,000 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और इसको हाई करने के लिए 132,000 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपके मसरख में इतने वोल्ट की सप्लाई आएगी, फिर यहाँ से एक सब स्टेशन पर जाएगी 33,000 वोल्ट के, फिर वो कन्वर्ट होकर के इतने में होगी, फिर ये इतने में कन्वर्ट करके आपको मिलेगी। तो कुल मिला के सिग्नल की वैल्यू को बढ़ाया जाता है, लेकिन जब हम लोग को बहुत दूर सिग्नल भेजना है तो अब हम क्या करेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड तो बहुत कम है, तो या तो आप एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हैं या तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दूर तक जाता है। अगर कोई बच्चा तेज से चिल्लाए या सीटी बजाए तो सीटी का सिग्नल बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, और जो कोई थोड़ा लाउडली बोल रहा है तो वो सिग्नल उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, वो बहुत दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बहुत दूर तक जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक हाई फ्रीक्वेंसी के, पहले फ्रीक्वेंसी वर्ड समझ लो, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि पर सेकेंड कितनी साइकिल हम लोग पूरी कर रहे हैं। देखो ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ आकर के कम्प्लीट हुआ, दैट इज एक, ये इसको एक साइकिल कहा जाता है। इसी तरह से ये दूसरी साइकिल है, ये ऐसे ही जो एसी सिग्नल होता है हमारा, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, मतलब एक सेकेंड में ये 50 टाइम्स इधर मूव करता है ये। लेकिन इतने बड़े सिग्नल को ले जाने के, देख रहे हैं 5 किलोमीटर में सिग्नल ये हमारा डाउन हो जा रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, इसको हम ले जाएंगे किलो हर्ट्स में, मेगा हर्ट्स में। मेगा हर्ट्स मतलब किलो, मतलब 1,000 से गुणा कर दीजिए, फिर किलो हर्ट्स में भी 1,000 किलो हर्ट्स का 1 मेगा हर्ट्स होता है, इसको इतना बड़ा सिग्नल बना लिया जाता है। आप रेडियो में जब ट्यून करते हैं तो बताता है उसमें कि हम इतने मेगा हर्ट्स पर बोल रहे हैं, इतने किलो हर्ट्स पर बोल रहे हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हाई, अब इतने हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में ये 1,000 बार मूव करेगा। देख लो ऐसे होगा एकदम, बहुत छोटा छोटा में, अगर ये मान लो यहां तक 1,000 मूवमेंट हो गया इसका, तो ये हमारा 1 किलो हर्ट्ज का सिग्नल है ये, और ये 60 बार हो रहा है केवल, तो ये हमारा 60 हर्ट्ज का सिग्नल है ये। हर्ट्ज और किलो हर्ट्ज में इतना फर्क है। अब इस सिग्नल को अगर हम भेज सकें इसके साथ तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये सिग्नल डिसिपिएट नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका जो एम्पलीट्यूड है अगर इसको हम इनवेलप के फॉर्म में बना लें,
ऐसे, और इसमें इस सिग्नल को फिट कर दे हम लोग ये, अब आप देख रहे हैं कि सिग्नल हमारा यही है, लेकिन ये अब जा कैसे रहा है, अब हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में, तो इसी प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। समझ में आ रहा है? अगर आप डिजिटल सिग्नल में जाइए तो आपने पढ़ा होगा डिजिटल सिग्नल स्क्वायर फॉर्म में होता है, ऐसे ही होता है ना। अब इस सिग्नल में अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ऐड कर दें तो कुछ इस तरह से होगा वो। ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जीरो के लिए हम लोग नहीं ले रहे हैं, फिर ये ले लिया हमने, जैसे ये हमारा वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीरो को, ये वन को, ये जीरो को, ये वन को, तो जहां पर ये जीरो यहां पर कोई सिग्नल नहीं, इस तरह से इसको करते हैं हम लोग तो ये भी हमारा जो है ये पल्स मॉड्यूलेशन कराता है, ये पल्स के फॉर्म में होता है। मुझे लगता है समझ में आया होगा थोड़ा सा ये। यस सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? नो सर, नो सर। ओके गुड, चलिए फिर तो एक्टिविटी इसकी पूरी कीजिएगा आप, और माइंड जोग एक्टिविटी भी कर लीजिएगा जो मैंने शुरू में दिया है ये वाली, और कॉपी आप लोग अपनी प्रिपेयर करिए, क्योंकि अब कोर्स भी मैं लगभग कंप्लीट ही करूँगा और आज बहुत कम लोग क्लास में हैं, ये बहुत गलत बात है। चलिए इसको हम देखेंगे बाद में, ठीक है? ओके, आप लोग यस सर, क्लास को। यस सर, ओके, थैंक थैंक यू। यू सर।